वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मैनी मोर माइल्स के एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाली है ओनरशिप रिव्यू, जो कि है मीटियोर का। तो इस बाइक को मुझे ओन करते हो गए हैं 2 साल। तो 2 साल में मैंने इसको चलाया है, कुछ 25,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं इसके। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरा 2 साल का राइडिंग एक्सपीरियंस। तो मैंने 2 साल मीटियोर को चलाया है, तो जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है इसको चलाकर, मतलब कुछ पॉजिटिव फीडबैक और कुछ नेगेटिव फीडबैक मीटियोर का आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ताकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो खरीदने का मीटियोर को, तो आप उसको कंसिडर कर सकें। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी मैं आपको इसका ओडोमीटर है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कितना किलोमीटर चल चुकी है, ताकि आपको बिलीव हो जाए मेरे ऊपर कि 25,000 मैंने इसको चलाया है। तो ये अपन लगाते हैं, ये देखो टोटल ओडोमीटर में अभी दिखा रहा है 25,009.4 किलोमीटर अभी चल चुकी है ये। तो ये कुछ कंडीशन है अभी 2 साल के बाद मेरी बाइक की। तो आप देख सकते हो थोड़ी सी गंदी है, और इसकी अभी मैं कुछ 5 सर्विसेज करवा चुका हूँ, 5 सर्विस इसकी हो गई है। अभी 6th वाली इसकी अभी ड्यू है, क्योंकि 25,000 चल चुकी है। तो मैंने जो 5th सर्विस करवाई थी वो करवाई थी 21,000 पे। तो मैं हर 5,000 किलोमीटर पे इसको करवाता हूँ सर्विस। तो अभी 1,000 और चलेगी, उसके बाद मैं इसकी 6th सर्विस करवाऊँगा। तो ये जो मेरी बाइक है उसका मॉडल है अर्बल मैट ग्रीन, और ये मैंने जब खरीदी थी तब भी मुझे पड़ी थी 2,34,000 की, क्योंकि मैंने इसमें एक्सटेंडेड वारंटी हटवा दिया था। तो ये मुझे उस टाइम पर 2,34,000 की पड़ी थी ऑन रोड। तो 25,000 चलाने के दौरान मैंने इसमें क्या क्या चेंज किया है, तो मैंने इसका चेन स्प्रॉकेट चेंज करवाया है, जो कि 23,700 पे बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो एक मैंने वो चेंज कराया है इसमें, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं कराया मैंने अभी तक, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो इसका जो सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा है 2 साल चलाने के बाद, वो है इसका सीटिंग पोस्चर। तो सीटिंग पोस्चर बहुत ही कम्फर्टेबल है, मैं आपको एक बार बैठ के दिखा देता हूँ इस पर। तो सिटिंग पोस्चर जिसका है वो एकदम अपराइट है, आप एकदम स्ट्रेट बैठते हो और आपके पैर थोड़े आगे की तरफ हैं, तो रिलैक्सिंग पोजीशन है ये। तो इसमें आप लॉन्ग राइड्स पे आपको बहुत कंफर्ट मिलने वाला है इसको चलाकर। तो दूसरा इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका लुक। आप देखो इसका लुक कितना मतलब अपीलिंग है, मतलब लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगता है और अट्रैक्ट करती है बाइक। और जो इसका तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है वो है ये बाइक जो है लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। आपको आप अगर इस पर 700 किलोमीटर भी चला रहे हो, मैंने लॉन्ग सबसे ज़्यादा चलाई है, लंबा अभी तक 500 किलोमीटर चलाई है, तो उसमें बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है। इसका जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका हैंडलिंग। हाईवे पे भी चला रहे हो, सिटी में भी चला रहे हो, तो इसका जो हैंडल बहुत ईजीली आप मनूवर कर सकते हो ट्रैफिक में, और जो इसका हैंडलिंग है वो बहुत ही स्मूथ है मुझे लगा ऐसा। 2 साल मैंने चलाया है, मैंने इसको ऑफ रोड में भी चलाया है, पानी में भी कुदाया, रिवर क्रॉसिंग भी करी है, और मैंने एक्सट्रीम ऑफ रोड भी किया है जहाँ पर रोड है, रोड ही नहीं है वहाँ पर, पत्थर बहुत सारे, वहाँ पर भी मैंने चलाया है। तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई हैंडलिंग करने में, तो इजी इन हैंडलिंग है ये। एक और इसका जो पॉजिटिव मुझे लगता है वो है इसकी टैंक कैपेसिटी, जो कि है 15 लीटर की। तो आपको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में फ्यूलअप के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, तो एक ये पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हम इस बाइक के नेगेटिव्स की बात करते हैं। तो आप जानते हो कि कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती है, तो हर बाइक में कुछ पॉजिटिव भी होता है और कुछ नेगेटिव भी होता है। तो अगर आप रॉयल इनफील्ड की बाइक चला रहे हो, तो उसमें आपको एक नेगेटिव है वो है इसके वाइब्रेशंस। तो इसके वाइब्रेशंस आपको मिरर्स पे भी दिखते हैं। आप जैसे ही इसको चलाओगे, तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि मिरर्स वाइब्रेट कितना करते हैं। अभी आइडियल पोजीशन पे भी खड़ी है, मेन स्टैंड पे खड़ी है, फिर भी देखो आप वो वाला मिरर कितना वाइब्रेट कर रहा है। वो वाला कम कर रहा है क्योंकि वो मैंने जीटी का लगाया है वो मिरर, तो वो थोड़ा स्टेबल है, वो थोड़ा हैवी है। बाकी ये वाला स्टॉक मिरर है, तो आप देखो अब मैं थोड़ा रेव भी करता हूँ इसको, आइडियल पे इतना करेगा। और आप मतलब जब रोड पे चलाओगे तब तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको पीछे कुछ भी नहीं दिखने वाला रियर व्यू से, रियर व्यू मिरर से आप पूरा वाइब्रेशन में आपको पूरा ब्लर ही दिखेगा। तो एक ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है मैं। दूसरा इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका हीटिंग इशू।
अगर आप इसको ट्रैफिक में चला रहे हो, अगर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक, अगर आप इसको फर्स्ट सेकंड गियर पर चलाओगे तो बहुत ज़्यादा हीट करेगी ये, और स्पेशली इन समर्स में तो आप अगर जीन्स वगैरह नहीं पहन के जा रहे हो तो आपकी पैरों की वैक्सिंग हो जाएगी फ्री में। तो अब इसके तीसरे जो नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो मुझे फील होता है वो है इसका रियर सस्पेंशन। अगर आप बैठे हो तो आगे का सस्पेंशन इसका अच्छा है, मतलब जब आप गड्ढे कुदाओगे तो उतना फील नहीं होगा आपको चर। बाकी अगर आप पीछे वाला जो सस्पेंशन है बहुत स्टिफ है, अगर आप कोई ब्रेकर कुदा रहे हो या फिर कोई गड्ढा कुदा रहे हो तो आपको बिल्कुल फील होने वाला है। जो इसका लास्ट नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगता है वो है इसकी हेडलाइट। नाइट में चला रहे हो हाईवे पे तो आपको आगे कुछ भी नहीं दिखने वाला इसकी स्टॉक हेडलाइट से, वो आपको आपका विजन एकदम ख़त्म कर देगा। या तो फिर आप ऑक्सिलरी लाइट लगवाओ, जैसे मैंने ये लगवाई है, कैमरा में इधर आइए जल्दी फटाफट, जैसे कि मैंने ये HJG की 9 LED लाइट लगवाई है, 60 watts पर लाइट, तो ये थोड़ी हेल्पफुल रहती है नाइट राइड्स में। तो अगर या तो आप हेडलाइट इसकी चेंज करवा लो। तो एक और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसके ब्रेक्स। तो इसके ब्रेक्स उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब पिछला तो और ही ज़्यादा स्लो लगता है, मतलब अगर आप हाई स्पीड पर अगर लगाओगे पिछला तो बहुत धीरे धीरे लगता है, मतलब एकदम सडन ब्रेकिंग अगर आप करोगे तो उसमें पिछला हेल्पफुल नहीं रहता उतना, बाकी लग जाता है और अगला काफ़ी अच्छा है पिछले के मुकाबले। तो एक इसका नेगेटिव पॉइंट है।